हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू परिहार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डी मेजर स्केल। कैसे आप गिटार पर डी मेजर स्केल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले डी मेजर स्केल प्ले करने के लिए आपको थंब की पोजीशन प्लेस करनी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सी मेजर प्ले करते टाइम थंब की पोजीशन ऐसे रहेगा, बट डी मेजर स्केल प्ले करते टाइम थर्ड फ्रेट के जस्ट बैक में, ये बैक साइड जो नेक है वहाँ पर आपको थंब को ऐसे स्ट्रेट रखना है। देखिए थंब की पोजीशन ऐसे, बोन बाहर नहीं निकालना है आपको, थंब को ऐसे रखना है, ठीक है, जैसे हम थंब इंप्रेशन देते हैं एग्जैक्ट उस वे में। थर्ड फ्रेट के पीछे आपको थंब रखना है, ये पोजीशन याद रखिएगा, और हाथ की पोजीशन ऐसी होनी बहुत ज़रूरी है। डी मेजर स्केल हम जो प्ले करने वाले हैं वो है सेकेंड फ्रेट, थर्ड एंड फोर्थ फ्रेट में। तो कैसे है, पहले मैं एक बार प्ले कर देता हूँ आपको, देन आपको मैं बताता हूँ, है ना। ये आपका डी मेजर स्केल है, आपको कैसे प्ले करना है। सबसे पहले फोर्थ वायर पे आपको जीरो प्ले करना है, जीरो मींस ओपन स्ट्रिंग डाउन के साथ। आपको हमेशा अल्टरनेट पिकिंग यूज करनी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट डाउन देन सेकंड विल बी अप। तो फर्स्ट स्ट्रोक डाउन, सेकंड फिंगर के साथ में अप, और फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट के लिए डाउन, देन थर्ड वायर पे ओपन, देन सेकेंड फिंगर से डाउन, देन फोर्थ फिंगर से अप, देन सेकेंड वायर पे आपको सेकेंड फ्रेट के अंदर में डाउन प्ले करना है, और देन लास्ट नोट जो है थर्ड फ्रेट के अंदर में सेकेंड वायर पे अप करना है। तो आप ऐसे डी मेजर स्केल प्ले कर सकते हैं खुद से। साउंड एक बार और सुन लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।